अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको एनएस हेल्दी टिप्स में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी सी चटनी इमली की। इसमें मैंने, आप देख सकते हैं कि जो बाउल है, अपने बाउल में जो है इमली का गूदा ले लिया है। स्पाइसी से मैंने यहाँ पे नमक, ज़ीरा, दरदरी लाल मिर्च, पाउडर लाल मिर्च और सूंड ली है। यहाँ पर जो स्पाइसेस की क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बाउल गूदा लिया है तो मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर्ड और हाफ़ टी स्पून जो है वो दरदरी, हाफ़ टी स्पून सोंड, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून जो है यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है। और चीनी जो है यहाँ पर मैंने एक स्मॉल कप जितना मेरा गूदा है इमली का उतना ही लिया। अब इस चीनी की जगह आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आधा गुड़ आधा चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी बनानी थी तो मैंने चीनी इस्तेमाल की है। सबसे पहले आपने कुछ जो है यहाँ पे 2-3 टेबलस्पून जो है ऑयल ले लेना है। अच्छा वेजिटेबल ऑयल जो है जिसकी कोई फ्रेगरेंस ना हो वो ले लें, वो ऑयल ले लेना है। और उसके बाद आपने जो गूदा यहाँ पर तैयार किया है उस गूदे को हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गूदा ऐड करके हम इसको कुक करेंगे। ये जो इमली का गूदा है इसके अंदर हम इसको पकाएंगे जब तक इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए। इसमें देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। ये देखें मैं शुगर ऐड कर दी। इसमें अच्छे से इसको कुक करेंगे। इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह थिक होना स्टार्ट हो गई है। अब जितने भी जो हमारे स्पाइसेस हैं जो मैंने आपको शो किए हैं वो सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए। अब यहाँ मैंने चार मगज़ ले लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, बादाम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चार मगज़ ऐड किए हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा सा इसमें आ गया। अब इसके अंदर हमें ये चार मगज़ ऐड कर दिए अपनी मीठी चटनी में और ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी मीठी चटनी तैयार हो गई है। देखें कितना अच्छा माशाल्लाह इसका कलर आया है। अब इसको हम अच्छे से एक जार के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी इमली की चटनी तैयार है। मैंने इसे बाउल में डाल लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा अमाउंट में बना के इसको सेव भी कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही मज़ेदार सी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।